सर, जो हम लास्ट टाइम में जो हम विजिट किया था तब आपका ये बन रहा था, कंस्ट्रक्ट चल रहा था, तो अभी देखने को मिला कि ऑलमोस्ट तो खत्म होने जा रहा है, तो उसका अपडेट थोड़ा दे दीजिए एक्वा पार्क का। हम लोग का तो अभी तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जितना है वो तो कम्प्लीट 100% हो गया, और जो रास्ता भी हो गया, बाउंड्री वॉल भी हो गया, और अभी ये सिर्फ थोड़ा सा मतलब ये रह गया था वो भी आज कंप्लीट हो गया। एक्वा म्यूजियम जो एक्वा म्यूजियम भी कंप्लीट हो गया, और अब आप लोग अंदर में जाके भी देख सकते हैं, हम लोग का तो पूरा अभी कंप्लीट हो गया। अभी ये फिनिशिंग कब तक देखने को मिलेगा? फिनिशिंग हमको सिर्फ ये महीना मार्च को ही दे दो। और सुनने को मिला है कि हमारा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट भी किया जाएगा 9 मार्च को, ये कितना तक सच है? वो तो श्योर 100% सच है। तो ये अंदर में सब ये एक्वा म्यूजियम का अंदर में आपके फीस डाल चुका है, आइटम का पहले लास्ट ईयर आप बोला था आइटम का आप डालेगा, तो अभी डाला है, देख सकते हैं, अभी भी डाल के बैठा हुआ है, अभी आप लोग भी देख सकते हैं, अभी मछली भी तो डाला है, हाँ पीस तो डाला है, हर चीज़ मतलब आप लोग देखने अभी अंदर जाके देख सकते हैं, बस इतना ही कि ये थोड़ा सा काम है, बस फिर भी आप लोग देख सकते हैं डाल चुके हैं। आपको क्या लगता है 9 मार्च तक ये फिनिशिंग हो जाएगा इनोवेट नहीं करने से पहले? वो तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कर तो कर रहे हैं, हम लोग आज सुबह भी तो 5 बजे आए हैं, कल रात भी तो 1 बजे तक किया है, वो तो कोशिश तो कर रहे हैं। और इनोवेट होने का बाद पब्लिक लोग को विजिट कर सकते हैं क्या? हाँ, इनोग्रेट होने के बाद तो पब्लिक विजिट कर सकते हैं 100%, वो तो यहाँ में तो पब्लिक तो विजिट करना ही पड़ेगा। तो आप लोग विजिट करने के लिए कि एंट्री फी लेगा ना ऐसे फ्री से? ओ फिर हम लोग इसको इनोग्रेट करने से भी एक बात ये है, हम लोग को डिपार्टमेंट को पहले हैंड ओवर देना पड़ेगा, तो वो तो डिपार्टमेंट का ऊपर है, तो हम लोग तो कॉन्ट्रेक्टर हो गया, तो जो हम लोग ये पूरा बनाने का बाद पूरा फिर फिनिशिंग का साथ साथ डिपार्टमेंट को हम लोग हैंड ओवर करते हैं, पहले हम लोग हाइड्रो पावर को हैंड ओवर करना पड़ेगा, हाइड्रो पावर फिशरी को हैंड ओवर करना पड़ेगा, उसके बाद उन लोग क्या करना क्या नहीं करना उन लोगों का ऊपर है। सर, चलते चलते आप ये जो आज नया सा आप पीस ये जो एक्वा म्यूजियम बल के पीस आप ट्राई किया है 3 बॉक्स में, तो उसका बारे आप थोड़ा बता दीजिए। नहीं, उसमें तो हम लोग मतलब अभी शुरू कर रहे हैं, अभी कंटिन्यूस मतलब डालते जाएगा, ये जितना भी डाला है हम लोग का आज का अभी का डाला हुआ है, मतलब ये एक दिन का काम है, मतलब हम लोग करते जाएगा पूरा कंटिन्यूस, मतलब सब मटेरियल हम लोग के पास रेडी है, और मछली भी रेडी है, सब सामान रेडी है, अभी से हम लोग डालते जाएगा, उसके लिए हम लोग तो इसीलिए दिन रात तो पहले भी बोल चुके हैं, दिन रात कर रहे हैं, वो तो कंप्लीट हो जाएगा 100%, और मछली तो पूरा आ चुका है हम लोग के पास। पानी का तो ये हम लोग का अपना से फिल्ट्रेशन है, वो वाला पानी से ऊपर खींचेगा, अभी ये देख रहे आ रहे ये वाला फिल्ट्रेशन में आ रहे वापस, उसमें ऊपर में हम लोग का फिल्ट्रेशन है, यहाँ में ऊपर में ये पानी जैसे भी आएगा मतलब ऐसे भी हम लोग का वहाँ में एक टैंकी बनाया, मतलब फिल्ट्रेशन टैंकी, और ये ऊपर में भी एक बनाया, दो जगह है, लेकिन उसमें भी और भी मतलब अगर गंदा होने से भी हम लोग का इसमें भी इसका ऊपर में भी फिल्ट्रेशन है, यहाँ से अपना से पानी ऊपर उठेगा, फिर अपना से फिर वापस आएगा और फिल्टर होके आते रहेगा। अभी हम लोग का तो है बहुत 78 है। हाँ, उसको कब डालेंगे आप? नहीं, अभी से शुरू कंटिन्यूस डाल ही रहे हम लोग, हाँ अभी इसको करके और उसमें मतलब पूरा डालते जा रहे हैं, अभी पूरा रेडी हो रहे हैं। मछली तो हम लोग का आज सुबह मतलब 10:30 को पहुँचे, मछली तो पूरा कलेक्शन है, कहाँ कहाँ से, मतलब ये एक जगह का नहीं है, हाँ वो तो हम लोग का जो मछली हम लोग कहीं से भी मतलब इधर उधर, मतलब ये भी आज हम लोग का प्लेट से आए हैं, ये हम लोग का होलंगी तक आया था, होलंगी से फिर हम लोग पिकअप करके लाए हैं। जीरो में ये फर्स्ट टाइम ये एक म्यूजियम बना रहा है, और मछली को आप लोग यहाँ बॉक्स में बहुत आप कितना मतलब 27 शायद बोला है बॉक्स में आप डालेंगे, तो ये मछली को आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे कि मर जाता है मछली को, तो ये आपका देखने को मिले तो मछली बहुत अलग अलग किस्म का मछली है? अलग अलग मछली तो उसको तो बाद में हम लोग जब डिपार्टमेंट को हम लोग तो कितना मछली पूरा डाल देगा डिपार्टमेंट उन लोग को, मतलब उसका ऐसे भी टेक्निकल आदमी है डिपार्टमेंट में, तो यहाँ में पाँच मैनेजर है, एपोर सार है, उन लोग तो उसका तरीका उन लोग ही जानेगा, उन लोग तो उसका तो कोर्स करके मतलब उसका ही सब्जेक्ट में है।